दोस्तों, अक्षय कुमार बॉलीवुड में मिनी इंडस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। अक्षय की दोस्तों एक साथ लगभग 3-4 फिल्मों के अनाउंसमेंट हो जाती है और फैंस सभी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जहां पर बॉलीवुड के सितारे 2 साल में एक फिल्म या फिर 1 साल में एक फिल्म करते हैं, वहीं अक्षय कुमार की तो 1 साल में 4-5 फिल्मों की अनाउंसमेंट हो जाती है और सभी के चर्चे इंडस्ट्री में पूरे साल दर साल चलते रहते हैं। खैर, फिलहाल अक्षय कुमार के पास अपकमिंग फिल्म में गुड न्यूज, सूर्यवंशी, पृथ्वीराज चौहान और लक्ष्मी बॉम्ब और बच्चन पांडे शामिल है। अब दोस्तों आपको बता दें कि अक्षय कुमार ने इतनी लंबी चौड़ी फिल्मों की लाइनअप होने के बावजूद भी एक और फिल्म अब लगभग साइन कर ली है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम अपकमिंग डेज में जरूर देखेंगे। इस फिल्म का टाइटल होने वाला है बेल बॉटम। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म होने वाली है अक्षय की एक और क्राइम थ्रिलर कॉमेडी फिल्म। इस फिल्म के अंदर अक्षय कुमार 80s का कैरेक्टर निभाएंगे, जहां पर कुछ ज्यादा ही मस्ती और एक्शन ड्रामा हमें देखने को मिलेगा। फिल्म को डायरेक्ट करेंगे दोस्तों रंजीत तिवारी, जिन्होंने लखनऊ सेंट्रल जैसी फिल्में बनाई है, जबकि प्रोड्यूस करेंगे अक्षय कुमार के दोस्त निखिल आडवाणी, जिनके साथ अक्षय कुमार ने इससे पहले एयरलिफ्ट में काम किया था। देखना दिलचस्प होगा कि अक्षय खुद इस फिल्म के ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब करते हैं। तो दोस्तों, बेल बॉटम फिल्म के लिए आप कितना एक्साइटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अक्षय कुमार का बॉलीवुड इंडस्ट्री में मिनी इंडस्ट्री कहना क्या सही है? अगर आप इस बात से वाकिफ रखते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों देखो देखो, ताकि आपको अक्षय कुमार की फिल्मों की आने वाली हर अपडेट यहाँ मिले सबसे पहले।